हेलो एंड वेलकम। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। देखिए खास क्या है आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करे और फिर जैसे दो नंबर एक रेंज होगी, उस स्पेसिफिक रेंज में दो नंबर्स, वो दो नंबर होंगे जिन दो नंबर्स को दो नंबर्स डिवाइड करेंगे उसी स्पेसिफिक रेंज में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पाइथन की ट्रेडिशनल आईडी ओपन कर लेते हैं यहां से चल के। तो ये पाइथन ओपन कर लिया मैंने यहां से जाकर के। ये पाइथन जब ओपन होता है तो ये पाइथन की शेल है, यहां पर जाकर के न्यू फाइल लेना होता है हमें। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर फॉर लूप लगाते हैं, लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यही दो नंबर्स के बीच की स्पेसिफिक रेंज है। देखिए दो से लेके बीस तक हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो दो से भी डिवाइड हो जाए और तीन से भी डिवाइड हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन देंगे इफ, ठीक है, आई को मॉड्यूलस करवाएंगे टू से, ठीक है, और रिजल्ट जो है जीरो आ जाए। एंड एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं, और आई को मॉड्यूलस करवाएं थ्री से, यानी वो नंबर दो से भी डिवाइड हो जाए और तीन से डिवाइड हो जाए और दोनों के डिवाइड होने के बाद जीरो ही आए, तो ऐसे में यहां पर प्रिंट करवा दिया जाए आई को, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये आई को प्रिंट करवाया, तो ऐसे में वो दो नंबर कौन कौन से होंगे ये बताएगा। तो इसको पहले सेव करेंगे, तो किसी भी नाम से सेव करके डॉट पी वाई लगा देते हैं, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है ये। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 6, 12 और 18 आ रहा है, यानी कि वो तीन नंबर कौन कौन से होंगे। पहले तो 6 होगा क्योंकि 6 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 18 भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया, देख सकते हैं आप, ठीक है।